23 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की बैठक गांधी भवन लखनऊ में आमंत्रित की गई है और वहां पर पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, सारे पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी हमारे आएंगे और उसमें एक महीने की सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। पूरे प्रदेश में एक महीने तक यानी 23 फरवरी से 23 मार्च तक अलग अलग जगहों पे स्टॉल लगा के रसीदे काट के मेंबर बनाया जाएगा, एक नंबर जारी किया जाएगा जिसमें मिस्ड कॉल दे के मेंबर बनाया जाएगा, एक वेबसाइट जारी की जाएगी जिस वेबसाइट पे अपना नाम दर्ज कराकर कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है आम आदमी पार्टी का। तो ये सदस्यता अभियान लगभग एक महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख पोस्टर लगाने की भी हमारी योजना है जिसमें हम मेंबरशिप कि अपील करेंगे लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के सदस्य। जहां स्वयं अमित शाह जी भाजपा के चुनाव प्रचार को लीड कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सारी कैबिनेट, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, 300 के करीब सांसद, कई राज्यों के मंत्री, विधायक, पूरी सत्ता पूरी ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश में यह संदेश गया कि अब इस देश के अंदर काम के राजनीति की जीत होगी, यानी वो पार्टी सरकार में आएगी जो अच्छे स्कूल बनाए, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो जाती है, उत्तर प्रदेश में हर साल दिमागी बुखारों से बच्चों की मौत की हजारों संख्या में बच्चों की मौत की घटनाएं सामने आती हैं जिससे मन को पीड़ा होती है, दुख होता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि 6 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। और बलात्कार रुकेगा कैसे, अपराध रुकेगा कैसे, इसकी कोई योजना सरकार के पास और मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। भाषणों में वो अपराध रोकते हुए दिखते हैं, जमीन पर अपराध नहीं रुकता है।